और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां अंबाला में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों में सेना को कमजोर करने का काम किया गया, जिससे विदेश से हथियार मांगने के नाम पर मोटी कमाई की जा सके। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि चार चरण में विपक्ष चारों खाने चित्त हो चुका है। सुनिए। 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। रायबरेली में राधिका खेड़ा का राहुल गांधी पर निशाना, अमेठी की तर्ज पर रायबरेली की जनता भी भगाएगी, कहा उन्होंने। भूपेश बघेल पर भी राधिका खेड़ा ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका के चमचे भूपेश बघेल को रायबरेली भेजा। रायबरेली में छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार का पैसा खर्च हो रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी के बीच अंतर कला है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी इन दिनों रायबरेली में बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ राधिका खेड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आप रायबरेली में प्रचार कर रही हैं बीजेपी का, क्या लग रहा है कि रायबरेली में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है? देखिए, चुनौती का सामना तो कांग्रेस पार्टी करेगी, राहुल गांधी करेंगे। जिस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको निर्णायक नतीजा दिया था पिछले चुनाव में, वही नतीजा उनको रायबरेली में भी मिलेगा। अमेठी को छोड़ के जैसे वो भागे थे और भगौड़े बने हैं, अब रायबरेली से भी उनको भगौड़ा बनाया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इन सबका? भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब एक बराबर होता है। लेकिन वहीं आप देखें तो कांग्रेस ने किसको भेजा है? कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चमचे भूपेश बघेल को यहां भेजा हुआ है। और वो कहां का पैसा लेकर आया है? रायबरेली की पावन धरा में सबसे ज्यादा पैसा कहां का आया है? कोयला खनन का छत्तीसगढ़ का पैसा, सबसे ज्यादा शराब घोटाले का पैसा, महादेव ऐप का पैसा। यहां की पावन धरा को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल, और यहां की जनता इसीलिए उनको निर्णायक जवाब देगी क्योंकि इतने दूषित पैसे की जगह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। राम जी की धरती पे बिल्कुल भी जगह नहीं है और राम जी का अपमान करने वाले लोग यहाँ पे आके वोट मांग रहे हैं, जहाँ की जनता जवाब देगी। लेकिन ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, बीते कई दशकों तक कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कुछ नाराजगी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी है, उसका कितना असर होगा? देखिए, सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी को अब कमान दे दी है, मैंने जैसा कहा कि लगातार रायबरेली की जनता, मेथी की जनता गांधी परिवार को जिताती आई, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें दिल्ली आना पड़ता है काम के लिए, बदले में उनको भीख मांगनी पड़ती है, एडमिशन हो, बीमारी हो, किसी चीज़ का काम हो, सड़क हो, जो रायबरेली और अमेठी दिल्ली के मुकाबले के होने चाहिए थे क्योंकि गांधी परिवार वहाँ से सांसद है, वो आज कितने पीछे हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो रायबरेली की जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली।